डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड कैप्सूल कक्षा 12 का दूसरा भाग लेकर हाजिर हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 2019 सेट नंबर एक, याद रखिएगा 2019 का ये सेट नंबर एक है और 347 FK है, याद रखिएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस सेट के ये सवाल हैं, ये आपको मिलेंगे 2019 सेट नंबर एक 347 FK में, ठीक है। तो आज हम लोग 5 सवालों को हल करेंगे और बाकी के सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो आप लोग 5 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही है। तो चलिए देखिए आप आंसर कौन सा बता रहे हैं सही। आप देखिए पहला आंसर, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है 0.15 m ग्लूकोज, 0.01 m Km, ये KNO3, और फिर लिखा है 0.015 m यूरिया, और फिर क्या कह रहा है 0.01 m Na2SO4, याद रखिएगा इतना लिखा हुआ है। तो अब ज़रा देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जली विलयन है। तो आप पहले इसमें देखेंगे कि वास्तव में ये सवाल पूछना क्या चाहता है कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक का उन्नयन प्रदर्शित करने वाला विलयन कौन सा है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्वथनांक का उन्नयन प्रदर्शित करने वाला विलयन कौन सा है। क्योंकि वैसे तो आपको इसमें किसी भी यौगिक का क्वथनांक पता नहीं है ना, तो किसका अकेले में ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने दो तत्व पकड़े, ए पकड़ लिया आपने और फिर बी पकड़ लिया आपने, एक तत्व आपने ए पकड़ा और एक तत्व आपने पकड़ लिया बी। तो जो आपने तत्व ए और बी पकड़ा, इसमें आपने देखा कि जो ए का क्वथनांक था पहले से ही था 150 डिग्री सेल्सियस और जो बी का क्वथनांक था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर हुआ इसका क्वथनांक का उन्नयन किसको मिलाने पर, इन अवाष्पशील विलयों को मिलाने पर, याद रखिएगा। तो जब इन अवाष्पशील विलयों को मिलाने पर क्वथनांक का उन्नयन की बात की गई, तो मान लीजिए इसका क्वथनांक का उन्नयन हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके क्वथनांक का उन्नयन हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, तो फिर भी तो इसका ज़्यादा है ना, 160 है और इसका भी 130 ही हुआ है, लेकिन क्वथनांक में उन्नयन ज़्यादा किस में हुआ, बी में हुआ। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन किसका ज़्यादा है, ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। जब इस टाइप का सवाल पूछे तो आप समझ जाइए कि वो ज़्यादा या कम वाला ही पूछ रहा है, क्योंकि आप इनका क्वथनांक जानेंगे कैसे कि किसका कितना है। पता चला इसका पहले से ही बहुत ज़्यादा था तो ये यही ऑप्शन सही होना चाहिए, ये तो गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला विलयन कौन सा है। तो आपको ये जान के चलना है कि ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक का उन्नयन प्रदर्शित करने वाला विलयन कौन सा है। तो वही गल वाला रूल लगाइए फिर से आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सबके जो क्या दिख रहे हैं, सबके मोलरता, मोलरता सबकी जो दिख रही है वो 0.015 है, 0.01 है, फिर 0.01 है और 0.015 है, मतलब इनमें बहुत कम अंतर है। कैसे, अगर आप देखेंगे तो ये 0.015 है, मतलब ये सेकंड के सौवें, ये दशमलव के सौवें भाग से शुरू हो रही है और ये 0.01 है, ये भी सौवें भाग से शुरू हो रहा है, मतलब मोलरता इनकी बहुत कम है, इसीलिए मोलरता तो इनको प्रभावित करने वाली नहीं है। अतः हम देखेंगे इसमें आयनों की संख्या किस में ज़्यादा है। तो फटाफट ज़रा एक बार ध्यान दे लीजिए आप कि आयनों की संख्या ज़्यादा किस में है, कैसे देखिए आप इधर। सबसे पहले आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन ग्लूकोज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ग्लूकोज, क्योंकि आज मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं हाथ से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा कम लिखूँगा मैं। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आयन में नहीं टूटता है, आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आपका तीन नंबर ऑप्शन दिख रहा है यूरिया, तीन नंबर ऑप्शन आपका दिख रहा है यूरिया। तो यूरिया बताइए आप लोग क्या आयन में टूटता है, नहीं टूटता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे यौगिक हैं, सह संयोजी यौगिक हैं, याद रख लीजिएगा दोनों के दोनों सह संयोजी यौगिक हैं, इसीलिए आप फोकस करिएगा इस पर कि ये दोनों आयन में नहीं टूटेंगे। चलिए तीसरा देखा जाए, तीसरा देखिए आप लोग, लिखा है KNO3, अगर KNO3 आयन में टूटता है तो ये तो बनाएगा, के जानते ही हैं आप लोग प्लस बनाता है, तो अपने आप NO3 क्या बना लेगा, माइनस। कितने आयन मिले, एक इसका मिल गया, एक इसका, टोटल कितने मिल गए, दो मिल गए आपको, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए आप जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, लास्ट ऑप्शन, थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट ऑप्शन में जो आपको दिखाता हूँ
वो है Na2SO3, तो सॉरी SO4 है, यहाँ पे लिखा रहेगा Na2SO4, प्लस आप सही कर लीजिएगा, कट गया था वहाँ से। तो देखिए Na2SO4 है, ये बनाता है Na+, और कई ठो है सोडियम, दो ठो है, क्योंकि उसके नीचे देखिए दो लिखा हुआ है, ये उसकी संख्या है, तो दो सामने चला आएगा। फिर बाकी SO4, इसका फोर सामने नहीं आता है, क्योंकि SO4 एक आयन होता है, सल्फेट आयन, ये 2- बनाता है, SO4 पे 2- सल्फेट आयन और 2Na+ हमारे पास सोडियम आयन मिल गए, तो कितने मिले, 2+1 और बराबर कितने हो गए, 3। तो टोटल हमें इसमें 3 आयन मिले, किसके, सोडियम सल्फेट के। सोडियम सल्फेट में हमको 3 आयन मिले हैं, KNO3 में हमको 2 आयन मिले हैं, और बाकी इन दोनों में एक भी आयन नहीं मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें आयनों की संख्या ज़्यादा है उसका अणुसंख्य गुणधर्म भी ज़्यादा होगा, इसीलिए Na2SO4 का अणुसंख्य गुणधर्म इसमें सबसे ज़्यादा होगा। अतः क्वथनांक में होने वाला उन्नयन सबसे ज़्यादा किस में होगा जी, सबसे ज़्यादा होगा Na2SO4 में, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे, अगर आप मोलरता को छोटे में भी लेके बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये 0.015 है और उसके बाद 0.01 है, तो मैंने आपको बता दिया ना कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इसमें मोलरता इसको प्रभावित नहीं करेगी, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। आज इस सवाल पे हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन कल के भाग में कर दिया था। अगर आपने कल का भाग देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। चलिए तो अगला सवाल देखें हम लोग। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। जरा देखिए आप लोग, करा धातु की प्रकृति और इसके आयनों पर, तो ये तो सबसे पहले निर्भर करता है, क्यों, क्योंकि आपने इसी के आधार पे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, कैसे, आपने देखा जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है उसको आपने ऊपर रखा, फिर उससे कम सक्रिय वाला उसके नीचे रखा, फिर उसके नीचे रखा, फिर उसके नीचे रखा, मतलब धातु कैसी है ये तो बताएगी ना कि उसका इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा है कि कम है। याद रखिएगा, जो सक्रियता श्रेणी बनाई गई थी वो इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में तो बनाई गई थी, अर्थात अगर माइनस को लेकर बोलें तो Na₁RP को बढ़ते क्रम में लेकर बनाई गई थी, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो धातु की प्रकृति है वो जरूर बताएगी कि किसका इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होगा और किसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, ठीक है, तो ये तो करेगा, फिक्स है करेगा। दूसरा आप देखिए, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, तो सीधी सी बात है, जरा आप देखिए क्या आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये तो हमने नहीं देखा है कहीं पर, कैसे प्रदर्शित करता है आयनों की सांद्रता पर। चलिए ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ आपको, आपको इसके लिए चलना होगा नर्स्ट समीकरण पर। जैसे आप देख लीजिए Na₁RP का फॉर्मूला, एक मिनट ERP का फॉर्मूला आप देखिए क्या लिखा है, ERP बराबर Na₁RP प्लस 2.303 बटे टी, उसके बाद एक मिनट 2.303 बटे एन होता है, 2.303 बटे एन, एक मिनट यहाँ से कुछ लगता है गड़बड़ हो रहा है, रुकिए हम लोग पूरा हल करके फॉर्मूला लिखते हैं ना। हाँ ये देखिए, Na₁RP प्लस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग बेस 10, और ये था OS अपॉन RS। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये एक ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता है और ये अपचयित अवस्था की सांद्रता है, याद रखिएगा। तो इसमें आप आयन की सांद्रता ही तो रखते हैं, याद रखिए आयन की सांद्रता ही तो रखते हैं, और बाकी जो नीचे इसकी ठोस अवस्था रहती है उसकी तो सांद्रता एक हो जाती है, बाकी आपको आयन की सांद्रता ही तो सवाल में दी जाती है, 0.1 m 0.2 m, मतलब जो उसके आयन है उनकी सांद्रता पर भी तो ये इलेक्ट्रोड विभव निर्भर कर रहा है, क्योंकि ERP भी तो इलेक्ट्रोड विभव ही है, इसका मतलब ये उसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, फिक्स से निर्भर कर रहा है। तो कहाँ से आपने बताया, नर्स्ट समीकरण से आपने बताया, और इसका विस्तार पूर्वक आप लोग अध्ययन अपनी कॉपी में करेंगे और इस पर सवाल भी लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अभी इस पर हम सवाल अलग से लेके आएंगे, अगली क्लास का सवाल इसी पर आधारित होगा, आज मैं इसीलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि इसमें सवाल ज़्यादा लगाना पड़ता और मेरे पास कलम नहीं थी, तो मैं हाथ से उतना ज़्यादा लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है।
चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ताप पर। किस पर? ताप पर। तो इलेक्ट्रोड विभव ताप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था ये जो इनॉट आर पी था, यहाँ पे फॉर्मूला था आपका आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, और फिर तब था लॉग बेस ई, याद रखिएगा तब था लॉग बेस ई, इसी फॉर्मूले में, इसी में, यहीं पर लॉग बेस 10 की जगह लॉग बेस ई था, और इसकी जगह था आर टी अपॉन एन एफ। जो इसमें टी रखा गया वो टी क्या है? जो टी रखा गया है वो टी क्या है आप बताइए ज़रा? जो टी लिखा गया है यही तो है परम ताप, यही तो है परम ताप, याद रखिएगा आप। इसका मतलब जो ई आर पी है वो इस ताप पर भी निर्भर कर रहा है, अर्थात इलेक्ट्रोड भी हो इस ताप पर भी निर्भर कर रहा है। तो बचा आपका कौन सा? दाब। दाब पर निर्भर नहीं करता है किसी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड विभव दाब पर निर्भर नहीं करता, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। और मैंने जो तीनों पॉइंट बताए हैं ना, इन पर कैसे निर्भर करता है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि इसके कारण ऐसे पता लगता है कि ये निर्भर करता है, इससे पता लगता है कि इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना? आप इस बात को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए तो आज के अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है। एक अभिक्रिया दी गई है ए टू बी, इसमें अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारकों का सांद्रण चार गुना बढ़ाने पर दो गुना बढ़ जाता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ज़रा देखिए आप लोग यहाँ पे कहा क्या गया है। सबसे पहले आपको एक अभिक्रिया दी गई है ए से बी, जिसमें एक अभिकारक है, जिसमें एक अभिकारक है ए टू बी। तो जो ए है यही है हमारा अभिकारक। तो आपको मालूम ही होगा कि अभिक्रिया का वेग जो होता है, वेग अनुक्रमानुपाती, अरे वेग को आर लिखेंगे ना हम लोग यहाँ पे, आर वेग को क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो अभिक्रिया का वेग जो आर है वो बराबर होता है के इंटू के, जहाँ वेग स्थिरांक है, और अभिकारक की सांद्रता को अगर हम बड़े कोष्ठक में ए लिखें और उसकी पावर किसके? एन के, जहाँ यानी अभिक्रिया की कोटि है, जो हमसे सवाल में पूछा हुआ है। ऐसा सवाल हमने आपको लगवा रखा है, जरूर ध्यान में रखिएगा, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, देखिए यहाँ पे मिल गया आपको। तो ये तो आपका सूत्र है। अब आपका जो पहला फॉर्मूला मिला आपको, पहला वाला, उसमें कुछ बताया नहीं कि कितना था, बस ये कहा कि जब चार गुना बढ़ा देंगे तो वेग जो है दो गुना बढ़ जाएगा। मतलब अभी इसी सूत्र को आप लोग समीकरण नंबर एक मान लीजिए, इसी सूत्र को आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर एक, क्योंकि अभी तो मान कुछ दिया नहीं गया है। अब जब देखिए दूसरी स्थिति में आप आएंगे, दूसरी स्थिति में आएंगे आप, तो कहा गया सांद्रण चार गुना बढ़ा दिया गया है। सांद्रण क्या बढ़ा दिया गया? चार गुना बढ़ा दिया गया। तो सांद्रता जो है दूसरी स्थिति में, चार गुना बढ़ाने का मतलब है वो चार ए कर दी गई है। कितना कर दी गई है? चार ए कर दी गई है, याद कर लीजिएगा आप। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पे, सांद्रता जब इसकी चार ए कर दी गई है और वेग जो है, वेग वेग दो गुना हो जा रहा है, वेग या दर, दर ही बोलते हैं वेग को, याद रख लीजिएगा। तो जो इसका वेग या दर है वो दो गुना हो जाता है। दो गुना किसका हुआ होगा? जो प्रारंभिक वेग था, जैसे 2r हो गया, ये क्या हो गया 2r। तो अब इसी फॉर्मूले में आप सारे मान रख दीजिए, आप इसी फॉर्मूले में सारे मान रख दीजिए। देखिए जरा आगे, r की जगह आपको लिख देना है 2r, और जहाँ a है उसकी जगह आपको लिख देना है 4a, और उसकी पावर क्या लगेगा? n लगेगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब जरा हम बात करते हैं कि हमको अभिक्रिया की कोटि मिलने क्या वाली है। तो हमें इसके लिए समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। समीकरण दो में भाग देंगे हम समीकरण एक का, तो समीकरण दो आपका है 2r, और समीकरण एक जो था, देखिए बराबर के इधर, बराबर के इधर वाले से भाग देते हैं, मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे इधर साइड में r दिख रहा है आपको, इस साइड में आपको क्या दिख रहा है? r दिख रहा है। उसके बाद अगर वहाँ पर देखेंगे तो दूसरी साइड में आपको क्या दिख रहा है? 2r दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2r दिख रहा है। तो 2r अपॉन r कर दिया हमने, और इधर साइड का देखिए 4a है और उसकी पावर n है, और फिर नीचे a है उसकी पावर n है। देखिए यहाँ पे r से r कट गया, ये आया आपका 2, और इसमें आपको ऐसे लिख सकते हैं आप 4a बट्टे a और टोटल की घात n, टोटल की घात कितना हो गया? n हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे बचा आपका 2, और वहाँ पे कट गया, तो ये बचा 4 की पावर कितना? n। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको घातों की तुलना करनी हो तो आधार को समान करना पड़ता है। तो अगर ये इधर 2 की पावर 1 हम लिखेंगे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, उसकी पावर n, ऐसे ये ध्यान में रखिएगा।
अब आगे जरा बढ़िए, तो इधर आपको मिला 2 की पावर 1 और इधर आपको मिल गया 2 की पावर 2n। अब आधार समान है आपका, तो घात की तुलना कर लीजिए। आप इस तरह से लिखिएगा, घात की तुलना, तो कर लीजिए घात की तुलना। इस साइड में मिला 1 आपको और इस साइड में मिला 2n, तो गुणा कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1/2 = n, अर्थात अभिक्रिया की कोटि निकल गई 1/2। तो जरा देखिए हमने इस सवाल में क्या क्या किया है। सबसे पहले आपने देखा कि जो इक्वेशन नंबर 1 था वो हमारा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि सवाल में पहले कुछ दिया नहीं गया था, तो वही इक्वेशन 1 बन गया। फिर कहा कि आपकी सांद्रता को 4 गुना बढ़ा दिया गया है, तो सांद्रता को जब आपने 4 गुना बढ़ाया, तो देखिए सांद्रता को आपने 4 गुना बढ़ाया तो हमने सांद्रता 4a कर दी, और उसके बाद वेग 2 गुना बढ़ गया, तो वेग आपको 2 गुना बढ़ा, 2 बार हमने कर दिया। उसके बाद जैसे ही हमने इस सूत्र में मान रखा, याद रखिएगा इस सूत्र में हमने एक मान रखा, इसी मान को, नीचे वाले मान को उसमें रखा, तो हमें आगे मिल गया 2r = 4a की पावर n। और जब हमने दोनों समीकरण को डिवाइड किया और उसको मैंने सॉल्व किया, तो हमें मिल गया n की वैल्यू 1/2। तो इस हिसाब से हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है बता सकते हैं क्या आप, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा? 2 नंबर, अभिक्रिया की कोटि 1/2 होगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस टाइप से आपको इस प्रकार के सवाल को हल करना है कि जब अभिकारक की सांद्रता और वेग की बात कर रहा हो, तो आप इसी वेग नियम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? वेग नियम का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अब देखा जाए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, आपकी स्क्रीन पर देखिए टपकने वाला है, क्या है? एक पदार्थ 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर पराशन दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। तो जरा देखिए यहाँ पे पराशन दाब की बात कर दिया उसने, पराशन दाब की बात किया, तो पराशन दाब का आपने सूत्र क्या पढ़ रखा है, P = CST या PV = W/MST। आप कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट देते रहा करिए, क्योंकि मैं जब ये क्लास चलती है तो कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आपको इसमें इस फॉर्मूले को लगाना है, हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिया और देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले यह लिखा हुआ है कि 45 ग्राम प्रति लीटर, इसका अर्थ यह है कि जब 1 लीटर विलयन होगा तो उसमें 45 ग्राम घुला होगा। 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम घुला होगा? 45 ग्राम। तो देखिए विलयन का आयतन V बराबर 1 लीटर, कितना लीटर? 1 लीटर। तो जो आपका विलेय होगा अर्थात W, जो आपका विलेय होगा अर्थात W, वो होगा 45 ग्राम, वो होगा आपका 45 ग्राम। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इतना आपका हो गया। अब जरा आप आगे बढ़िए और मानों को रखिए। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है, तो पहली बात तो आपको कैपिटल टी निकालना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें कितना आपको जोड़ना पड़ेगा? 273 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 293 केल्विन, ये आपका परम ताप टी हो गया। आगे देखिए क्या मान दिया गया है। परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, तो आप उसको लिख दीजिए। परासरण दाब किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। कितना है? 3.2 वायुमंडल, मतलब 3.2 atm एटमॉस्फियर। फिर आपने देखा यहाँ पे पदार्थ का अणुभार m = 342 दिया गया है, तो यहाँ लिख दीजिए अणुभार। किसका अणुभार है? ये विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार m बराबर कितना? 342। तो आप जरा देखिए, आप पीछे दोनों दिए गए फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर 1 लगाएंगे कि नंबर 2? ये नंबर 1 लगाएंगे कि नंबर 2? तो आप जरा चीज़ों को ध्यान में देखिए। पहले आपको V मिला, W मिला, तो V और W आपको पहले फॉर्मूले में दिख रहे हैं क्या? नहीं ना, आपको दूसरे में लगाना है। सॉरी, यहाँ पे M रहेगा, M ध्यान दीजिएगा। PV = W/MST, ठीक है। चलिए तो आपको दूसरा फॉर्मूला ही लगाना है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। और आपको विलयन स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? विलयन स्थिरांक मतलब S की वैल्यू पूछ रहा है। विलयन स्थिरांक, कुछ लोग इसे सार्वत्रिक नियतांक R
के बराबर भी मान लेते हैं, लेकिन ये विलयन स्थिरांक है इसीलिए इसे यस माना जाता है, याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पी वी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। मैं मान रख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी आई है 3.2 एटीएम, उसके बाद इनटू वी की वैल्यू है 1 लीटर, डब्ल्यू आपने देखा 45 ग्राम था और टोटल ये था 342, और फिर गुणा यस था और यस के बाद आपका था 293। ये तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड में भेजेंगे गुणा में, और बाकी ये दोनों नीचे आएंगे और आपको मिल जाएगी एस की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एस की वैल्यू मिल जाएगी, और एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल, पर केल्विन मोल, याद रख लीजिएगा। ये आपको आंसर आएगा, इसके निकटतम आएगा तो भी आप ठीक हैं, लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम आता है तो आप गलत कर रहे हैं कहीं पे, ध्यान में रख लीजिएगा। गणना आपकी गलती होगी क्योंकि मान तो आपने सीधे सीधे रख दिया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल आप लगा सकते हैं, फार्मूला नहीं याद है तो सवाल आप कभी नहीं लगा सकते, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं कल आपसे पूछूंगा भी आपने क्या सॉल्व किया है, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका दिख रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के जो है 2.54×10⁻³ है, सेकेंड पे -1, वैसे भी आपको मालूम ही होगा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है वो सेकेंड पे -1 ही होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है फटाफट से आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या पूछा है, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। तो 3/4 आयु की गणना करने का मतलब है कि इसका 3/4 कब तक समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा 3/4 आयु का मतलब पूछा है कि ये कब तक समाप्त हो जाएगा 3/4। तो सबसे पहले तो आपको इस सवाल में मान लेना है एक प्रारंभिक सांद्रता, क्या मान लेना जी, प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेनी है, ए। अब चूंकि 3/4 आयु पूछ रहा है, 3/4 का मतलब ये होता है 3/4, तो 3/4 भाग समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा 3/4 भाग समाप्त हो जाता है। तो अगर समाप्त होता है तो जरा ये बताइए कि ये ए होगा कि एक्स होगा, ये ए होगा कि एक्स होगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ये क्या होगा, एक्स होगा, एक्स किसका 3/4 होगा, ए का 3/4 होगा, का मतलब होता है गुड़ा, तो आप करेंगे ए गुड़ा 3/4, मतलब फाइनली आएगा एक्स की वैल्यू 3a/4, इसलिए आप अब निकालेंगे ए माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूले में ए माइनस एक्स की ज़रूरत होती है। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो आपको खुद दिख जाएगा, ए माइनस 3a/4 है, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे इसमें 4 तो क्या होगा, तिरछा गुणा होगा 4 का तिरछा गुणा हो जाएगा ना इधर, 4a-3a घटने के बाद बचेगा a/4, ये आपका किसके बराबर आ गया, a माइनस एक्स के बराबर आ गया। ये कौन सी सांद्रता है जी, या मैं बोल दे रहा हूँ लिख लीजिएगा, ये बची हुई सांद्रता है, कौन सी सांद्रता है, बची हुई, और x कौन सी सांद्रता होती है, समाप्त हुई सांद्रता होती है, तो समाप्त होने वाला दिया ना, समाप्त हुई सांद्रता है x, याद कर लीजिएगा। इसका k का वैल्यू दिया गया है 2.54×10⁻³, लिखते हैं इसको, k की वैल्यू 2.54×10⁻³ सेकेंड इनवर्स आपसे पूछ क्या रहा है, ज़रा देखिए आप लोग, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, आयु की, तो आपने देखा था, क्या देखा था, प्रथम कोटि के लिए आपने फॉर्मूला क्या देखा, प्रथम कोटि के लिए आपने फॉर्मूला देखा के बराबर 2.303 इंटू log बेस 10 a/a-x, ये हमारा फॉर्मूला। तो देखिए इसमें a और a-x दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो जरा आप देखिए, आपको के थोड़ी निकालना है, आपको तो टी निकालना है। तो एक काम करिए ना, आप के को इधर नीचे भेज दीजिए, टी को इधर ऊपर भेज दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए जरा, हम लोग यही काम करते हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ, आप लोग नीचे बनाइएगा। देखिए, आप टी को यहाँ से हटाइए, के को यहाँ से हटाइए, भेज दीजिए इधर टी को और इधर भेज दीजिए के को। तो ये भी तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, टी बराबर 2.303 बटे के इंटू लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आप, आपको मिला 2.303 बटे के का मान है, के का मान कितना दिया आपको, देखिए जरा, 2.54 × 10^-3, 2.54 × 10^-3, उसके बाद गुणा लॉग बेस 10। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का तो वैल्यू ए ही माना था आपने, और ए माइनस एक्स आपको मिला था ए अपॉन 4, तो इसमें कट जाता है ए से ए। तो देखिए इधर आप 2.303, तब तक एक काम आप कर लीजिए, ये जो आपको नीचे घात दिख रही है, नीचे जो आपको घात दिख रही है ये वाली, इसको आप ऊपर भेज देंगे, इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आप इसको ऊपर भेज दीजिए, 10^ कितना हो जाएगा, 3, और नीचे आपके लिए बचा 2.54। फिर देखिए आप लोग, वो 4 नीचे से तब तक ऊपर चला जाएगा, और लॉग बेस 10, ये 4 जैसे ही ऊपर जाएगा, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, तब तक ऊपर वाले का दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है और 1000 का गुणा भी हो रहा है, और बट्टे बचा आपका 2.54 गुणा लॉग में आपको मालूम ही होगा कि घात जो है आगे चली आती है, लॉग में जो है घात कहाँ चली आती है, आगे चली आती है। तो ये जो घात 2 दिख रही है वो चली जाएगी लॉग के आगे, तो ये आपका बन जाएगा, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे बन जाएगा 2 log base 10 और फिर 2। तो आपको लॉग बेस 10 2 का मान मालूम ही होगा कितना होता है, लॉग बेस 10 2 का मान 0.3010। तो देखिए आपको ये बचा 2303, मतलब 2303, नीचे बचा आपका 2.54 और गुणा यहाँ पे 2 बचा, और उसका मान आपको रखना है 0.3010। तो हम इसको 2 से काट देते हैं, 1.27 बार में काट देते हैं, ये आपका बच गया 2303 गुणा 0.3010 और 1.27। नीचे 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए आप ऊपर नीचे 100 का गुणा करा दीजिए, ऊपर 4 अंक देख के मत कराइएगा, क्योंकि जितना नीचे गुणा कराएंगे उतना ही आपको ऊपर गुणा कराना ज़रूरी होगा। तो देखिए, ऊपर आपका बचा 2303 गुणा 0.30, एक मिनट, इसको भी हम लोग दशमलव हटा ही देते हैं, 2 अंक इसका दशमलव आगे चला जाएगा, तो 2 अंक दशमलव इसका आगे जाएगा, तो देखिए क्या होगा, 30.10 हो जाएगा, और नीचे आपका दशमलव हट के 127 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2303 गुणा करना है आपको 30.10, जितना आएगा उसमें आप भाग देंगे 127 का, तो ये लगभग आएगा 545.8, 545.8, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 545.8 आएगा, और ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा, 545.8 सेकंड आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको ज़रूर लगाइए, कई बार लगाइए, बार बार लगाइए, 4 नंबर में पूछा भी गया है, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। छोटा सवाल नहीं है ये, 4 नंबर का पूरा सवाल है, एक बार आप फिर से पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, कुछ है नहीं, सारी केवल गणनाएं ही हैं, आपको केवल यहाँ पे फोकस करना था, क्या फोकस करना था कि जो ये समाप्त होना दिया, आपसे पूछा था 3/4 आयु की गणना कीजिए, जैसे पूछा था कि आपका 50% की गणना कीजिए, मतलब 50% हो चुका है उसकी गणना पूछ रहा है, तो 3/4 इसमें पूछा है, अर्थात 3/4 समाप्त हो गया है, तो समाप्त होने वाले को हम एक्स मानते हैं, फिर उसको ए में से निकाल देते हैं, ये बात को ध्यान में रख लेना है, ये आपका सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर में पूछा हुआ है, बढ़िया सवाल है, आराम से आप लगा सकते हैं, गणनाएँ ठीक हैं,
केवल गणना आपको करनी है दशमलव में, आप कर सकते हैं आराम से, 545 सेकंड समथिंग आंसर छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज का ये हमारा आखिरी सवाल था, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए होमवर्क क्या क्या है। देखिए आपके लिए क्या क्या होमवर्क है आपके सामने, आज आपके सामने चार होमवर्क रहेंगे, जिसके दो होमवर्क मैं कल की क्लास में आपको पुनः बताऊंगा। जैसा कि ये आपको सवाल दिख रहा होगा, ये वाला सवाल 20 डिग्री सेल्सियस पर अवाष्पशील विद्युत आवेश घट के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, वाष्प दाब इतने से घटकर इतना हो जाता है, विलेयकणों भार ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको मालूम ही होगा यहाँ पर वाष्प दाब घट रहा है, इसका मतलब वाष्प दाब का अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम यहाँ पर लगेगा, आप उसको लगाइए और सवाल लगा के आइएगा। इसको आंसर आप लगा के कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और कल मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा आपको। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विद्युत अवघट की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, तो आपको चालकता जी को परिभाषित करना है और फिर मोलर चालकता लैम्डा एम को परिभाषित करना है, कैपिटल लैम्डा एम आपने पढ़ा हुआ है ना, उसको परिभाषित करना है। और सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सांद्रता अगर परिवर्तित करते हैं तो चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, आपको इसको बताना है। इसे हमने हेडिंग मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले चालक में, ये कारक में आपको लिखवा रखा है, जाइएगा देखिएगा आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने वहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। तो आज का अगला होमवर्क आपके सामने देखिए यहाँ पे कार्बनिक रसायन से है क्या है, फिनॉल बनाने की दो विधियाँ लिखिए, इम्पॉर्टेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पाँच नंबर में सीधा देखिए पूछा गया है। दो विधियाँ आप लिखिएगा, कौन कौन सी आप लिख सकते हैं, एक तो डाव अभिक्रिया लिख दीजिए और एक सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल लिख दीजिए वी कार्बोक्सिलिकरण द्वारा। फिर देखिए सांद्र HNO3 से क्रिया द्वारा क्या बनेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत आ गई है, तुरंत जल्दी से सांद्र HNO3 से क्रिया द्वारा क्या बनता है, ब्रोमीन जल, देखिए मैंने आपको कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और जिंक, फिनॉल का जिंक के साथ अपचयन कराने पर क्या बनता है, जिंक चूर्ण के साथ अपचयन बेंजीन बनता है, बेंजीन बना रखा बता रखा मैंने आपको, आपकी कॉपी में लिखवाया गया ये, जरूर देखिएगा उसको, सब के सब देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिए। मैं जब आप पढ़ाता हूँ तो मैं उस समय कोई अनसॉल्व पेपर नहीं लेके बैठता हूँ, लेकिन मैंने जो आपको बताया इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करिए और पढ़ाई करिए। फिर देखिए नीचे आपको दवाई UPSC नाम है जो आपका काम है, आप इनको लिखिए और हमें बताइए, आप इनको लिखिए और हमें बताइए। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना सिलेबस पूर्ण रूप से तैयार करते रहिए। तो आपको धीरे धीरे ज्ञान होने लगा होगा कि हमें पढ़ना क्या है, इस पाठ में मुझे पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं मुझसे पूछी जा सकती हैं, तो आप खुद देखिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।